यस स्टूडेंट्स वेलकम हियर अगेन चैनल जानकारी हित हित माय सेल्फ अभिलाषी शर्मा एक बार फिर आपके ही हित के लिए फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस का जो कंटेंट है उसको शेयर करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसके अंडर हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में कंप्यूटर हिस्ट्री क्योंकि कंप्यूटर को यहां तक पहुंचते हुए बहुत से स्टेप्स में से गुजरना पड़ा दीज स्टेप ऑफ कंप्यूटर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे साथ में बात होगी एडवांटेज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शू नो दैट व्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन विच परफॉर्म्स टास्क लाइक कैलकुलेशंस कम्युनिकेश टेक्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट स्टोर द डाटा प्रोसेस अपॉन द डाटा एंड जनरेट आउटपुट बहुत ही सिंपल सी बात है भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मशीन है जो गणना और संचार जिसको कम्युनिकेशन कह रहा था जैसे कार्य करता है और भी बहुत से हैं इसके अंतर्गत होता क्या है कि इनपुट के रूप में जो कंप्यूटर का जो यूजर है उपयोग करता है उससे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं और डाटा मिलता है कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर करके उसे प्रोसेस्ड करता है जिसे संसाधित करना कहते हैं और फिर आउटपुट जनरेट करके जो यूजर है उसके सामने पेश कर देता है ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग है वैसे तुम जानते हो सभी मुझे लगता है कि बहुत देर से बढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ योर क्लासेस इवन फ्रॉम द लोअर स्टैंडर्ड लाइक फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ कंप्यूटर जो शब्द है कंप्यूटर से लिया गया है विच मीन कैलकुलेशन गणना करना यस yes, स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था वो गणना करने के लिए दिया जाता था इसलिए उस टर्म्स में इसको ऐसे यूज किया गया नेक्स्ट वन हमें पता है कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और वही एडवांटेज और बेनिफिट्स भी हैं कंप्यूटर के जिस जो जो इसमें फीचर्स देखने को मिलती है सबसे पहले एक्यूरेसी हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग है जब वो काम करते हैं उसमें गलती होने की संभावना है अगर कंप्यूटर को सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दी है तो उसमें एक्यूरेसी भी 100 परसेंट होगी तो शुद्धता पाई जाती है कंप्यूटर से किए गए प्रोसेसिस में कार्यों में फास्ट स्पीड इसके कार्य करने की स्पीड वक्त के साथ साथ जैसे कंप्यूटर की जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रही है बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है लास्ट स्टोरेज कैपेसिटी इसमें जो डाटा को स्टोर कर स्टोरेज करने की कैपेसिटी है बहुत बहुत भी बहुत ज़्यादा हम बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर रख सकते हैं एज अ इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी हार्ड डिस्क में चाहे वो इंटरनली या एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर में या एक्सटर्नली रूप में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन रिट्राइव दैट इंफॉर्मेशन हम उस जानकारी को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट वन इजी टू कम्युनिकेट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना संचार करना मैसेज को शिफ्ट करना ट्रांसफर करना किसी को फाइल ट्रांसफर करना सब कुछ तो आसान हो गया है नेक्स्ट वन इज द वर्स्टैलिटी वर्स्टैलिटी मीन्स भिन्न भिन्न तरह के काम यहाँ चंचलता वर्ड लिखा दैट इज नॉट गुड वन इसकी जगह हम वर्स्टाइल मीन्स भिन्न कह सकते हैं अभिन्न बहुत से वर्स्टाइल नेचर है कंप्यूटर के कामों की कंप्यूटर के साथ हम वर्स्टाइल काम कर सकते हैं कभी भी बहुत से काम जो कंप्यूटर की हेल्प के साथ किए जा सकते हैं एक ही टाइम पर कई काम कर सकते हैं हम कंप्यूटर के साथ दैट इज इज इट एज ऑफ इट्स नेचर हम एक ही टाइम में मूवी भी देख सकते हैं एक ही टाइम में, में मेल सेंड कर सकते हैं कोई गाना सुन सकते हैं अपनी सोशल मीडिया को ऑपरेट कर सकते हैं बहुत से काम एक ही जगह पर एक ही टाइम पर हो सकते हैं डेलीजेंट यस yes, कंप्यूटर मेहनती तो है भी हार्ड वर्कर कह सकते हैं कंप्यूटर हमारी तरह थकता नहीं है की पोर्ड कंटिन्यूंग सही ढंग से इसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसके साथ जो विद फास्ट स्पीड एंड फुल एक्यूरेसी ये काम करता ही रहता है थकता नहीं है इकोनॉमिकल है यस yes. कई लोग इसकी आलोचना करते हैं कि ये महंगा है नहीं स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उसको एक बार स्टार्ट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा सी कीमत लगती है और अदरवाइज अगर हम इसके कामों की बात करें तो ये बहुत इकोनॉमिकल है कुछ दिनों के बाद ही जब ये पार्ट एंड पार्शल बन जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी बिजनेस संस्था का तो ये इसके द्वारा किए गए काम बहुत सस्ते पड़ते हैं सो so, कफायती है भाई काफ़ी सस्ता और लाइवल यस जब एक्यूरेट है तो लाइवल भी है ये ध्यान रखना क्योंकि हम इस पर अगर हमने इंस्ट्रक्शन सही दी है तो इसने वो काम करना ही करना है हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं पूर्ण रूप से जो कंप्यूटर है वो विश्वसनीय है, है किसी भी मानव के लिए हम उस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं नेक्स्ट वन लिमिटेशन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन भी है नो इंटेलिजेंस कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं है अभी जैसे इंस्ट्रक्शन दे दी उसने वैसे ही करना है मान लो किसी सेंसर से उसको बता दिया जब भी कोई एंटर होगा तो आपने उसको धक्का देना है क्योंकि इधर से आने नहीं देना चाहे वो अपना ही क्यों ना हो उसने सोचना नहीं है उसने धक्का ही दे देना है बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज देयर जस्ट टेक इट लाइटली थोड़ा इस बात को बात समझो कि कंप्यूटर में अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं वो आप कुछ नहीं सोच सकता दैट इज बाय सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो हमारे सामने है इसी कारण क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि नहीं है वो क्या हेल्पलेस इन डिसीजन मेकिंग अगर अचानक जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके रिगार्डिंग कुछ गलत हो रहा हो तो ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता उसमें ये पूर्ण रूप से असहाय है इमोशनलेस हैविंग नो फीलिंग यस कंप्यूटर भावहीन है विदाउट इज वर्किंग विदाउट एनी फीलिंग वो भावनाओं पर नहीं चलता वो इंस्ट्रक्शन पर चलता है वो सॉफ्टवेयर पर चलता है जैसी उसको डायरेक्शन दी गई है जो उसमें डाटा फीड किया गया है ये इमोशन लेस है चाहे उसका बुरा असर पड़े या अच्छा ये नहीं सोचता एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज यस ये बहुत बड़ा इशू है आज की यंग जनरेशन के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है जहाँ कोई भी ह्यूमन बींग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है बट इससे जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं उसकी क्रिएटिवनेस पर जो इंटेरोगेशन लग चुका है सवाल या चिन्ह लग चुका है कारण क्या है इंसान खुद सोचना बंद कर चुका है उससे कॉपी पेस्ट वाले प्रोसेस ज्यादा चल रहे हैं ये इंसान नहीं सोच रहा ये भी किसी इंसान ने लिखा हुआ है ये सोचना बंद कर चुका है ऐसे सोचते हैं जैसे कंप्यूटर ने लिखा है कुछ ऐसा ऐसा नहीं है इससे जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं जो मानवीय क्षमताएं हैं कुछ नवा नया करने की उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है चांसेस ऑफ लॉस ऑफ प्राइवेसी या दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज मेजर ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर में क्योंकि हमारी बहुत सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारा डाटा हमारे बिजनेस प्लान हो सकते हैं बट लॉस ऑफ प्राइवेसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं हमारी जो गोपनीयता है जो सीक्रेसी है उसको कभी भी कोई हैकर कोई वायरस या तो खत्म कर सकता है या उसको हैक कर सकता है तो हमारी जो निजता है गोपनीयता है वो खत्म हो सकती है लिमिट्स लर्निंग एंड क्रिएट अ डिपेंडेंसी यस ये भी बहुत बड़ी एक लिमिटेशन है इसने हमारी जो सीखने की योग्यता है उसको सीमित कर दिया और क्रिएट अ डिपेंडेंसी और हमें उस पर निर्भर बना लिया हम खुद सोचने की जगह उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जा हो चुके हैं इसके अलावा मेनी मोर लाइक हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम इज देयर कभी किसी के शारीरिक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कभी किसी को बैक पेन हो रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत से इंसान स्ट्रेसफुल हो रहे हैं जो ओवर यूज कर रहे हैं पर ये जो मैंने बताई सोशल प्रॉब्लम एंड हेल्थ प्रॉब्लम इसमें ज्यादातर कंप्यूटर का दोष नहीं है भाई ये कंप्यूटर को यूज करने वालों का दोष ज्यादा है बिकॉज ओवर एंड मिस यूजिंग ऑफ कंप्यूटर

इसको बहुत से स्टेप्स में से बहुत सी पीरियड में इसको गुजरना पड़ा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने में टाइम लगा है ये ऑलमोस्ट 60 साल का अपना सफर तय कर चुका है जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं दैट इज जी1 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसको अर्ली कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है इसका जो पीरियड है ऑलमोस्ट 1945 टू 1956 के बीच का है एक बात मैं बता दूं आपको ये 1940 की जगह हम फोर्टी भी कह दें वो भी गलत नहीं है कारण क्या है कंटेंट के रिगार्डिंग जब हम कहीं स्टडी करते हैं बुक्स में कोई इसको 44 की बात करता है कोई 40 की बात करता है लेकिन ये ऑलमोस्ट वही दो तीन साल ऊपर नीचे का पीरियड होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली चेंज होने में टाइम लगता है एकदम ऑन ऑफ करके टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होती सबसे पहले जो कंप्यूटर जो सबसे पहले यूज किया मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स उसमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी इलेक्ट्रिक रिलेज थे तो अगर इंफॉर्मेशन को रिले करना है कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए उसमें जो प्रोसेसिंग के लिए जो यूज होते थे वो इलेक्ट्रिक रिलेज और प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को चलाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था ये क्या होती हैं ये है वैक्यूम ट्यूब्स इसके बारे में आगे भी बताऊंगा क्या है ये ये कंप्यूटर क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स और नम और गिनती में भी काफी ज्यादा होती थी ये कंप्यूटर बहुत हैवी नेचर के होते थे बिग साइज कंज्यूम लॉट पावर्स हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे सबसे पहले 1940 में आई अमेरिकन कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपको पता होना चाहिए इन्होंने सबसे पहले जर्नल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे ई का नाम दिया गया वो प्रोड्यूस किया नाइनटीन में उन्नीस चालीस की बात कर रहा हूं एक बात और मैं आपको बता दूं जो उसकी एक्चुअल फंक्शनिंग थी वो 1946 में शुरू हुई और उस कंप्यूटर का जो वजन था जिसे मैं ई एन आई सी आई ए सी कह रहा हूं 50 टन उसका वेट था और उसको लगभग दो कमरों का जो स्पेस था उस कंप्यूटर को एस्टेब्लिश करने में लगा एक टन में दस क्विंटल का वजन होता है आप ध्यान रख सकते हो कितना वेट होगा कंप्यूटर का ये जो पिक्चर है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की है नीड्स 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 बिग बिग स्पेस लार्ज साइज था लेस स्टोरेज कैपेसिटी थी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती थी स्लो स्पीड थी तो आज के कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली हमें इसमें सारी कमियां दिख रही हैं परंतु हमें ध्यान रखना होगा ये फर्स्ट स्टेप था दैट इज बिग बिग अचीवमेंट नेक्स्ट वन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उसको करने से पहले मैं आपको बताऊं मैंने कहा था वैक्यूम ट्यूब बताता हूं हूँ ट्यूब कंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सीलबंद शीशे की ट्यूब होती है जो लगभग वैक्यूम मीन खाली होती है जिसमें से जो विद्युत का प्रभाव है इलेक्ट्रिक करंट है उसको आने जाने की पूरी अनुमति दी हुई होती है वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर में सारी कनेक्टिविटी में, में मेजर पार्ट था जीवन में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे नेक्स्ट वन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इनका पीरियड आप देख रहे हो 1956 टू तो 1963 ये ऊपर नीचे हो सकता है दो साल तीन साल कहीं 1955 हो सकता है कहीं 1954 लिखा होगा अप टू तो 1966 सिक्स में मैंने पीरियड के बारे में पहले आपको बताया इन ट्यूब कंप्यूटर में बड़ा चेंज आया वैक्यूम ट्यूब्स की जो कमियां थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया उसकी जगह यूज क्या करने लगे ये मैं ऊपर टॉप पे दिया विद यूज यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स 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 का होने लगा क्या है इसकी पिक्चर देखो ये ट्रांजिस्टर है भाई इसका यूज होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह पर वैक्यूम ट्यूब का साइज बड़ा था उसमें बहुत सी प्रॉब्लम थी हीट के रिगार्डिंग लेकिन ट्रांजिस्टर में साइज उससे कंपेरेटिवली छोटा था

वही आई बी एम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने सेवन जीरो नाइन जीरो नाम का सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता था वो पॉसिबल हुआ जबकि फर्स्ट जनरेशन में डाटा की कैलकुलेशन थी प्रोसेस होता था ट्रांसमिशन नहीं होती थी इसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता था डाटा का विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन यस जो जमीन में बिछी हुई तारे उनके साथ मतलब उन तारों के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल था इसकी स्पीड G1 से ज़्यादा थी हर इंटरनल स्टोरेज थी परंतु एसी तो चाहिए था इसमें कारण क्या था हमें पता है हीट तो यहाँ भी प्रोड्यूस होती थी स्मॉलर इन साइज पर ये G1 से साइज में छोटा था लेस हीट नीडेड इसमें सॉरी लेस हीट प्रोड्यूस इसमें कम गर्मी पैदा होती थी ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज था जी वन के कंपैरिजन में समझ आई मेरी बात नेक्स्ट वन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर विद आईसी इंटेग्रेटेड सर्किट के साथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आई सेकेंड जनरेशन की जो टेक्निकल आस्पेक्ट थी उसमें आने वाली मुश्किलों को देखते हुए दैट इज द बिग बिग रेवल्यूशन विद डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ आईसी इंटेग्रेटेड सर्किट एक सिंगल सिलिकॉन चिप आपने देखी होगी ना टीवी कंप्यूटर में एक ग्रीन सी आपकी इवन आपके मोबाइल में एक हरी सी चिप बनी होती है बड़ी सारी ग्रीन कलर की उस पर बहुत से बहुत से आईसी और दूसरे पार्ट्स जुड़े होते हैं बट वो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं थ्रू दैट सिलिकॉन चिप उसके अंदर से जुड़े होते हैं बाहर डायरेक्ट तारों को लगाना नहीं पड़ता कि एक वायर को दूसरे से अटैच करना ऐसा नहीं उसके अंदर सी कनेक्टिविटी होती है और जो ए का जो मॉडल था मेड्यूल आई बी एम थ्री सिक्सटी अपॉन्ट नाइन वन ये कंप्यूटर था जो उन्होंने तब इंट्रोड्यूस किया था आई ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में इसमें एक सिंगल चिप पर ट्वेंटी ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया ट्रांजिस्टर्स क्या हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये भी कनेक्टिविटी का एक साधन है पर उन सभी ट्रांजिस्टर्स को एक ही सिंगल सिलिकॉन चिप पर लगाया गया 20 से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही ये जो मैंने दिखाया नीचे पिक्चर ये सिलिकॉन चिप है कि एग्जांपल है जो ग्रीन शेड आपको दिख रही है सिलिकॉन से बनी हुई ये प्लेट है जिसको हम सिलिकॉन चिप का नाम देते हैं इंटेग्रेटेड सर्किट क्यों कह रहे हैं क्योंकि सारे सर्किट एक दूसरे के साथ उसी चिप के थ्रू जुड़े होते हैं इसकी स्पीड ज्यादा थी इसके अलावा रिलायबिलिटी भरोसा ज्यादा रिड्यूस कॉस्ट को कम कर दिया यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है ये हमें आपको आने वाले टाइम में हमारे जो कंटेंट है उनमें डिस्कस करेंगे लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज विच इज बिग बिग बेनिफिशियल फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग उसका यूज किया गया इसका साइज भी छोटा हो गया देखो कंप्यूटर का साइज ऐसे दिखने लगा अब आपको कंप्यूटर के वो रूप दिखने शुरू हो गए होंगे जो पिक्चर हमारे दिमाग में होती है पहले कंप्यूटर के साइज बड़े बड़े थे जैसे G2 और G1 में मैंने दिखाया ओके नेक्स्ट वन इसके बारे में हम बात करते हैं आगे सिलिकॉन चिप क्या है सिलिकॉन चिप इज यूज बिकॉज इट कैन बी यूज एज आइदर एन इंसुलेटर और दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग चिप अगर चिप्स बनानी है तो उसमें सिलिकॉन से बनी हुई चिप ने दुनिया में क्रांति ला दी बहुत बड़ा चेंज लेके आई सिलिकॉन चिप क्योंकि इंटेग्रेटेड सर्किट हो गया इसको या तो इंसुलेटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है जिसका मतलब होता है डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्लो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती या तो आपको एज ए इंसुलेटर यूज कर सकते हैं या इसको सेमीकंडक्टर जिसमें लिटिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इजाजत दी जाती है थोड़ा कंट्रोल्ड जो बिजली uh, का परवाह है उसको याद दी जाती है कंट्रोल्ड वे में अनकंट्रोल्ड नहीं होता दैट इज वाई कंप्यूटर सिलिकॉन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंटेग्रेटेड सर्किट जो कंबाइंड सर्किट बनता है उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है नेक्स्ट वन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये हैवी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या बढ़िया कंप्यूटर है ये उसका मॉनिटर है साथ में ये कीबोर्ड है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तीन का जो कॉम्बिनेशन है लुक्स वेरी गुड तो ये अच्छा ही होगा अच्छा मतलब उस कंपैरिजन कंप्यूटर से बेटर पीरियड पीरियड ऑफ़ वाज बी 1972 1989 इस को माना जाता है circle, भी पर बहुत बड़ी स्केल पर बहुत बड़े साइज में कारण क्या था VSLI, जिसको मैं वेरी लार्ज स्केल इंटेग्रेटेड सर्कट कह रहा हूं इसमें ऑलमोस्ट 5000 ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया अराउंड 5000 ट्रांजिस्टर्स आर एंड अदर सर्कट एलिमेंट विद एसोसिएटेड सर्कट और सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन क्योंकि एक ही सर्कट पर जब इतने इंटेग्रेटेड ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं जो एक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इतनी बड़ी गिनती में तो माइक्रो कंप्यूटर की ओर बढ़ गई फोर्थ जनरेशन उसका साइज छोटा हो गया जी फोर की मैं बात कर रहा बिकम मोर पावरफुल बिकम मोर कॉम्पैक्ट मोर लाइवेबल मोर अफोर्डेबल प्राइस वाइज एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन इसी के कारण जो पीसी रूपी क्रांति है दुनिया में आ गई अब घर घर पर्सनल कंप्यूटर पड़े हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की देन थी हमें ये ध्यान रखना होगा बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर बन गया थर्ड जनरेशन से और सस्ता भी बन गया रिलायबल बन गया लोग भरोसा कर सकते थे डूइंग बेटर तो ये थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर नेक्स्ट वन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसकी दुनिया में हम आज जी रहे हैं ये है जी फाइव शक्ल भी देखने में अच्छी लग रही है आपको यस द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस ये सबसे बड़ी कमी थी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं थी बट जी फाइव जिसे हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कह रहे हैं जिस पर रिसर्च वर्क अब भी चल रहा है साथ में जी की बातें भी हो रही हैं जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस्ड आने वाले टाइम में कंप्यूटर होंगे लेकिन G5 को भी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उसको भी लगातार इंप्रूव किया जा रहा है विद द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज बिग बिग कॉन्सेप्ट इन G5 इंटेलिजेंस नहीं थी फोर्थ जो जनरेशन कंप्यूटर में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है स्टिल लॉट रिमेन्स टू डू बहुत कुछ करना बाकी है एंड स्टिल लॉट हमारी जो बायोमेट्रिक्स है इनके आधार हैं तो हैं हैं पर तरह तरह की जो प्रोसेसिंग की जा रही है हमें पता है वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किया जिससे आइडेंटिटी होती है मेन फीचर्स क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डेवलप की जा रही है और बहुत सी हो चुकी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड कंप्यूटर डेवलप हो रहे हैं जी फिफ्थ एडवांस इन पैरल प्रोसेसिंग एक ही टाइम पर कई कई प्रोसेसिंग चल सकती है बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है इसके अलावा सेमी सुपर कंडक्टर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है एडवांसमेंट हो चुकी है उसमें मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है मल्टी मीडिया फीचर है ग्राफिक्स है म्यूजिक को इंजॉय कर सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कंपैक्ट कंप्यूटर एट चीपेस्ट रेट सबसे सस्ते रेट पर आ चुके हैं कंप्यूटर तो लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगे हुए हैं आज हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं ये है G5, G6 जी सिक्स आने वाली होगी बहुत जल्द वर्चुअल कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम चल रहा लगाता है लगातार स्टूडेंट्स so इस तरह से जो G1 से लेकर वैक्यूम टेब ट्यूब से बने हुए कंप्यूटर से गुजरते हुए हम G2 टू सेकेंड जनरेशन पर पहुंचे फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एंटर हुए जहां सिलिकॉन चिप्स का यूज किया जाने लगा फिर उसके बाद सिलिकॉन चिप को भी वेरी लार्ज इंटेग्रेटेड के रूप में जहां पर ट्रांजिस्टर लगे होते थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवेलप हुए एंड देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर दे आर तो हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत कुछ होना बाकी है सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट क्लियर फंडामेंटल ऑफ ई बिजनेस के अंडर ये जो सेकेंड कॉन्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले की जो वीडियोज हैं F1 और F2 में उसमें मैंने आई की बात किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज जो बात की हमने कंप्यूटर के एलिमेंट्स की इसका कुछ पार्ट बाकी है जो फोर्थ वीडियो है उसमें वो पार्ट है उसको भी देखिए इस जानकारी चैनल पर बहुत सी और वीडियो हैं इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्टेंट्स मोटिवेशनल वीडियोस उनको भी देखते रहिए आने वाली वीडियो जो लगातार आती रहेंगी उनका भी इंतजार कीजिए थैंक यू वेरी मच